subscribe my channel and press the bell icon to never miss any update. Welcome to my channel Learning Techniques. We are discussing about चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज और निमोनिया को आज हम देखेंगे. इससे पहले मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ, हम लोगों ने गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स देखा है, गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लंग्स. इसके अलावा हमने दो डिजीज़ देखी थी, ब्रोंकाइटिस और एम्फिसिमा, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट निमोनिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. निमोनिया क्या है? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स. लंग्स के बारे में यहाँ पे बात इसलिए की जा रही है क्योंकि लंग इज़ द मेन ऑर्गन दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस, या फिर हमारा जितना भी रेस्पिरेशन का काम हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज का काम हो रहा है एनिमल्स में और ह्यूमंस में, उसमें हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं. इससे पहले अगर आप रिमाइंड करें थोड़ा सा, या फिर आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें ब्रोंकाइटिस और एम्फिसिमा का बताया गया था. ब्रोंकाइटिस रिलेटेड था ब्रोंकाई से और एम्फिसिमा रिलेटेड था एल्वियोलाई से. नाउ ब्रोंकाई एंड एल्वियोलाई बोथ आर फंक्शनल पार्ट ऑफ लंग्स. ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि इट इज़ ऑल अबाउट लंग्स. ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन इज रिलेटेड टू लंग्स. इफ़ दिस इफेक्ट बोथ देन कॉल्ड डबल निमोनिया. बोथ मतलब लंग्स, हमने देखा था लंग्स दो पेयर्स में डिवाइड हो रहे होते हैं. ठीक है, जैसे जैसे ट्रेकाई से मूवमेंट हो रही होती है, लंग्स दो पार्ट में डिवाइड हो रहे होते हैं, तो अगर दोनों लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे डबल निमोनिया. दैट इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन. काजेज इसके क्या हो सकते हैं? बैक्टीरियम हो सकता है. बैक्टीरियम की एक स्पेशल टाइप है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई. नाम से ही पता चल रहा है, इसका नेम ही मेरे ख्याल से इस वजह से दिया गया है, डैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियम. इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, डैट इज़ इन्फ्लुएंजा वायरस. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है. फंगल इन्फेक्शन मतलब फंगस रिस्पॉन्सिबल हो सकती है निमोनिया के लिए. ठीक है, अब अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि अगर हमारे लंग डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोविड-19 हो जाए. तो ये वायरल इन्फेक्शन, वायरस और भी वायरस इन्वॉल्व हो सकता है जैसे कि कोरोना वायरस. ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा लाइफ टेकिंग है, और अगर हमें निमोनिया हो जाए, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाए, और वो निमोनिया हमें कोरोना वायरस की वजह से हो जाए तो हम मर सकते हैं. अब हम इसकी वैक्सीन और एंटीबायोटिक से पहले इसका थोड़ा सा मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि वायरस जो है वो कैसे अटैक करता है. सबसे पहले कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, या फिर फंगल है, इन्फेक्शन है, फंगस है हमारी, वो सबसे पहले क्या करेगी? एल्वियोलाई में इंटर होगी. एल्वियोलाई क्या है? ट्रेकियाई के बाद जो भी ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाती हैं लंग्स में जाकर, और ये एल्वियोलाई थैलियाँ होती हैं जिसमें हमारी ब्लड फ्लो कर रहा होता है और गैस एक्सचेंज हो रहा होता है, उसमें हमारे क्या होगा? वायरस इंटर हो जाएगा. सेटल देयर, खुद को वहाँ जाके एडजस्ट कर लेगा इन्वायरमेंट के साथ, अपनी रिप्रोडक्शन करेगा और बहुत ज़्यादा नंबर्स में इंक्रीज़ हो जाएगा. जब वो बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो सारे के सारे हमारे लंग टिश्यूज़ की ब्रेक डाउन कर देंगे. जब लंग टिश्यूज़ की ब्रेक डाउन हो जाएगी तो क्या होगा? सारा का सारा लंग हमारा ख़राब हो जाएगा. दैट मस्ट बी फिल्ड विद पस. ठीक है, इसके अलावा म्यूकस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्फेक्शन हाई लेवल का हो जाएगा. वी कैन ट्रीट इट सिंपल फॉर्म ऑफ निमोनिया बाय वैक्सीन एंटीबायोटिक. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ वायरस. ठीक है, अगर वायरस बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो, और उसकी वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है, लाइक कोविड-19 डिजीज़, ठीक है, तो फिर हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते. लेकिन अगर कोई वायरस, ऐसा वायरल अटैक या बैक्टीरियल अटैक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, उसकी वैक्सीन मौजूद है, ठीक है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं वैक्सीन्स के थ्रू, या फिर एंटीबायोटिक होती हैं टैबलेट्स या फिर इंजेक्शंस उनके थ्रू. अगर हम इसके सिम्टम देखें, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें निमोनिया हो गया है? सबसे पहले हमें बुखार होता है, ठीक है, हाई फीवर हो जाता है, बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, आइज़ रेड हो जाती हैं, शिवरिंग होती है, बॉडी बहुत ज़्यादा शिवर करती है. ठीक है, इसके अलावा कफ होती है, खांसी हमें बहुत ज़्यादा होती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. ठीक है, सांस नहीं हमसे लिया जाता है,
सांस बहुत रुक रुक के आता है. इन सीवियर केसेस यू मे हैव टू बी शिफ्टेड ऑन वेंटिलेटर, या फिर आपको ऑक्सीजन मास्क लगाने को कहा जाता है. डस्की एंड पर्पलिश स्किन कलर, स्किन का कलर येलो और डस्की सा हो जाता है, बहुत अजीब सा कलर हो जाता है, पेल येलो सा, आइज़ का कलर भी हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा निढाल नज़र आते हैं. ठीक है, लाइक दिस. अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं तो यू गाइज मे गो टू डॉक्टर, चेक योर सेल्फ. जैसे कल आजकल के हालात चल रहे हैं, थोड़ी सी डिजीज़ पे भी डॉक्टर के पास जाएं. अब यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया गया है ये एल्वियोलाई के बारे में. लास्ट वीडियो में एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस की गई थी. मैं बार बार बताती हूँ, एल्वियोलाई जो है ये थैलियाँ होती हैं जिसके अंदर ब्लड मौजूद होता है और एयर की पैसेज हो रही होती है. मतलब मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ लंग इज़ एल्वियोलाई. ये नेक्स्ट दिखाया गया है जिसको इन्फेक्शन हुआ हुआ है जिस एल्वियोलाई में, ये पस बहुत ज़्यादा इसमें फिल हो गई है. एज़ यू कैन सी, पस जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये रेडनेस हो गई है, ब्लड मूव नहीं कर सकता, एयर की मूवमेंट भी नहीं हो सकती. अब यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया कि जैसे अब वायरल इन्फेक्शन COVID-19 की हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं मिल रही है, कोई मेडिसिन नहीं मिल रही है, सेम इसी तरह से जो आम निमोनिया था ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, उसकी भी एंटीबायोटिक नहीं थी. ठीक है, हमारे पास जब नहीं थी तो 1/3 ऑफ न्यूमोनाई पेशेंट का 1/3 पर्सन जो था वो डाई हो गया था ड्यू टू दिस इन्फेक्शन. ये इतना डेंजरस है जब तक इसकी एंटीबायोटिक नहीं मिली थी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.